हाय गाइस, तो यार मुझे काउंटलेस क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि यार दो बार जावास्क्रिप्ट या सीएसएस लर्न कर ली, बट जब भी कोड लिखने बैठो तो ब्लैंक हो जाता हूँ। क्या कोड लिखूं, कैसे लिखूं, कुछ भी समझ नहीं आता। या फिर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, वो भी मैं भूल जाता हूँ। तो डोंट वरी यार, ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है जो हर बिगनर्स के साथ आती ही आती है। डरते क्यों, तुम्हारा बड़ा भाई है ना, अच्छे से गाइड करूंगा ये प्रॉब्लम कभी ना आए। प्रोजेक्ट्स बनाना सबसे बेस्ट वे है प्रैक्टिस करने का और लर्न करने का न्यू कॉन्सेप्ट्स को। बट होता क्या, प्रोजेक्ट बनाते बनाते अलग अलग लेवल पे स्टक हो जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं उसमें। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरी स्मार्ट अप्रोच, जिसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और हर एक प्रोजेक्ट में आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है इंक्रीज करते जाएंगे, जिससे आपकी स्किल्स और लर्निंग्स हर बार इंक्रीज हो और आप मास्टर कर पाओ फ्रंट एंड को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड की रोड मैप के थ्रू ही। तो सबसे पहले उसमें आता है HTML। तो HTML में यार आप टैग्स लर्न करिए और एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के देख लीजिए। लैंडिंग पेज हो गया, जैसे कि आपका फॉर्म हो गया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना के देख लीजिए, वो मोर देन एनफ है, उसमें कुछ भूलने वाला है नहीं। उसके बाद चलते हैं हम, दूसरा है आपका CSS। तो इसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं कि CSS में यार समझ नहीं आ रहा, लर्न नहीं कर पा रहे, लिखते हैं तो फंस जाते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ। तो इसमें CSS लर्न करने के बाद हम क्या करेंगे यार, प्रोजेक्ट पे चलेंगे और हम एक स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट का क्लोन बना रहे हैं, या फिर आप कोई और छोटा सा प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, टू डू लिस्ट हो गई, या कोई भी जो आपकी मर्जी है ट्यूटोरियल के बेस पे। बट इसमें प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है मैं बताऊंगा, ताकि आप कोड करना भी सीख जाए और CSS भी याद कर लें और उसे ना भूले कभी। तो एक काम करो, अपनी स्क्रीन का जो लैपटॉप की है उसको आधा आधा कर लो, आधे में अपना ट्यूटोरियल चलाओ और आधे में अपना कोड एडिटर खोल लो। जैसे जैसे ट्यूटोरियल चल रहा है आपका पैरेलल लेफ्ट में, वैसे वैसे एक लाइन स्ट्रिक्टली समझ के कॉन्सेप्ट राइट में लिखते जाइए और एंड तक पूरा क्लोन बनाइए सेम टू सेम, एक एक लाइन टेप के लर्न करके। और वर्किंग होना चाहिए वो, ऐसा ना हो कि इन्होंने कंप्लीट कर दिया और आपका काम नहीं कर रहा। ठीक है, पूरा क्लोन बन गया, आप ट्यूटोरियल को बंद कर दीजिए और अपनी स्क्रीन को फुल साइज कर लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेना है एक दिन का या फिर कुछ आवर्स का, लाइक 15-20 आवर्स का ले लीजिए, ताकि आपकी जो मेमोरी है थोड़ा उसको टाइम मिल जाए चीजों को एब्जॉर्ब करने का और भूल जाने का। अब एक दिन हो गया, थोड़ा बहुत आप भूल गए होंगे, आप वापस आइए, सेम प्रोजेक्ट को खोलिए और उसको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाइए, एक बिल्कुल ब्लैंक, जिसमें जो आपने पहले फाइल्स क्रिएट करी थी वही सेम फाइल क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए एक HTML फाइल हो गई, एक CSS फाइल हो गई, लेकिन वो ब्लैंक होनी चाहिए, उनको कोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आपने पहले प्रोजेक्ट बनाया था ना, अब वो प्रोजेक्ट दोबारा से स्क्रैच से बनाएंगे, बट बिना किसी चीज को देखे हुए और बिना पुराना कोड देखे हुए। जो जो आपको याद आ रहा है, जैसे जैसे आपको ऑर्डर याद आ रहा है, जो जो स्टेप्स याद आ रहे हैं, उसके बेस पे बनाना। ठीक है, सबसे पहले HTML बना लीजिए, उसके बाद उस पर थोड़ी थोड़ी CSS लगाते जाइए। तो आइडियल केस है कि आपको पूरा आपने क्लोन बना लिया तो वो सबसे बेस्ट है। अगर मान लीजिए आप स्टक हो गए, तो स्टक होने पे क्या करिए, 5 मिनट बैठ के सोचिए कि इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, क्या कैसे उस वीडियो में किया था हमने, बट वीडियो पे जाना नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ सिंटेक्स याद नहीं आ रहा है, हिंट मिलना है, तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि वहां पे कैसे सिंटेक्स यूज करना चाहिए या क्या हिंट होता है। चलो, उसके बाद भी अगर आप फिर भी स्टक है तो क्या करना है, वापस ट्यूटोरियल पे जाना है, अपने पॉइंट पे जाना जहाँ पे आप हैं, और वहां पे सिर्फ 1-2-3 मिनट की वीडियो आगे देखनी है कि आपको एग्जैक्ट हिंट मिल पाए कि इसके बाद क्या होता है जहाँ पे आप स्टक थे। पूरा ट्यूटोरियल नहीं देखना है, 2-3 मिनट का हिंट देखा, अब वो ट्यूटोरियल बंद कर दीजिए, वापस आइए कोड पे और इसको कंप्लीट करिए पूरा एंड तक, जब तक आप इसे वर्किंग ना करे जैसे कि आपने पहले बनाया था। अब इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि एक तो आप पूरा का पूरा दोबारा से बना लेंगे, तो आपका जो सारे कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए थे उसकी रिविजन हो जाएगी। दूसरा होगा कि आपने जो सारा कोड दोबारा लिखा है, उसके आपकी जो मसल मेमोरीज होती है फिंगर्स की टाइप करने की, वो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा सिंटैक्स कैसे लिखना है, और दोबारा लिखेंगे तो वो फटाफट अपने आप टाइप कर देगा। तीसरा है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार मैंने एक लोन दोबारा खुद से बनाया बिना टेपे, तो मैं कर सकता हूँ और मुझे अच्छे से CSS आ गई है। ठीक है, अगर आपको स्टिल डाउट होता है कि यार नहीं मुझे CSS नहीं आई है, तो कोई और प्रोजेक्ट उठा लीजिए। मान लीजिए आपने कोई छोटा बनाया था, आप कुछ बड़ा उठा लो, जैसे फ्लिपकार्ट का क्लोन है, और उसका कोई ट्यूटोरियल देखो, वैसे बिना ट्यूटोरियल के पहले बनाओ, अगर स्टक हो जाता है तो ट्यूटोरियल देखो और फिर उसको दोबारा से बना सकते हो। अब इसमें तीसरा है यार जावास्क्रिप्ट लर्न करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि इसी में सारा मेन लॉजिक जो होता है आपका लिखा जाता है आपकी एप्लीकेशन का। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा यार इस पे अपना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे लगाना, लर्निंग पे थोड़ा कम लगाना, और जितना ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, लर्निंग्स होंगी। तो जावास्क्रिप्ट लर्न करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आपने पहले HTML CSS के साथ वेबसाइट बनाई थी ना, उसी में जावास्क्रिप्ट डाल के उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। क्लिक करने पे वो काम कर रही हो या कुछ आउटपुट दे रही हो आपको
कुछ कंप्यूट करके। अगर आपको HTML CSS वाले प्रोजेक्ट पे नहीं बनाना, तो कोई आप ट्यूटोरियल ओपन करके HTML CSS JavaScript के प्रोजेक्ट का, तो वो भी खुद से फॉलो करके सेम टू सेम बना सकते हैं JavaScript लर्न करने के लिए। अब यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यार JavaScript बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको लर्न करने में आपको पूरा एक साल भी कम है सारी चीजें कवर करने में। तो जितना जितना आप नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, उतनी आपको नई नई प्रॉब्लम्स मिलेंगी, और नए नए प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको रिसर्च करेंगे, आपको नए नए सिंटैक्स मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जावास्क्रिप्ट में यूज करने के लिए, उसी के थ्रू आपकी लर्निंग होगी। सो जावास्क्रिप्ट मास्टर करने का मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट वे है वो है यार, अब कोई भी आप दो बढ़िया क्लोन बनाइए, जो वेबसाइट आपको अच्छी लगती है, जो प्रोडक्ट आप डेली वे में यूज करते हो, मान लीजिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या फिर अमेजोन है, तो इन सब के क्लोन बना लीजिए HTML CSS JavaScript की मदद से। तो एक तो यार क्लोन बनाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि सामने एकदम आपको एक टारगेट मिला होता है कि मुझे इस लेवल की वर्किंग वेबसाइट बनानी है, तो इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जितना आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको एंड गोल दिख रहा होता है। तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और लर्निंग्स तो डेफिनेटली हो ही रही है। अब ये क्लोन बनाने के बाद क्या होगा कि यार एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस के बाद आप बेसिक सिंटैक्स तो नहीं भूलेंगे, अगर आप भूल भी जाए ना तो गूगल करके सिंटैक्स देख सकते हैं, ये फाइन है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिंटैक्स भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी 5 years एक्सपीरियंस के बाद भी अगर मैं कहीं स्टक होता तो मैं गूगल करके सिंटैक्स देख लेता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना है HTML CSS JavaScript से, तो मैंने भी पूरी लाइव कोडिंग करके एक ट्यूटोरियल बना रखा है, लिंक यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, इसको भी आप बाद में फॉलो कर सकते हैं। अब जी फोर्थ स्टेप है, जो लास्ट स्किल है वो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क लर्न करना, और वो है रिएक्ट जेएस। तो ये मेन स्किल है जिसमें आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा थ्योरी पढ़ने में भी और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में भी। तो अब इसको लर्न करने का भी सेम तरीका है, जो पिछली बार आपने HTML CSS JavaScript से पूरा लॉजिक लिखा था या क्लोन बनाए थे, अब उस क्लोन को कन्वर्ट कर लीजिए अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। तो जो आपको HTML CSS है वही आपका यहाँ रीयूज हो जाएगा, लेकिन JavaScript आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे रिएक्ट जेएस में आपका फ्लो काम करता है, कैसे डाटा काम करता है, कैसे इवेंट्स काम करते हैं, और इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे काम करता है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी लर्न करते करते। अब ये तो हो गए जी लर्निंग वाले प्रोजेक्ट्स, अब रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट्स क्या बनाने हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स थोड़े डिफरेंट होंगे इन लर्निंग प्रोजेक्ट से, और इसमें क्या कर सकते हो कि यार आपने एक क्लोन बना लिया, तो एक रिज्यूमे में एक क्लोन अगर आपने ऐड कर दिया वाओ वाला क्लोन, जैसे नेटफ्लिक्स का पूरा वर्किंग क्लोन है, इंस्टाग्राम का पूरा वर्किंग क्लोन है, तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन बाकी दो प्रोजेक्ट और ऐड करिए, वो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका मेजर का प्रोजेक्ट हो, मेजर माइनर का, कॉलेज का, हो सकता है आपने कोई हैकेथॉन में कोई प्रोजेक्ट बनाया हो सकता है आपने कोई अपने स्टार्टअप वगैरह के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया हो जो आपकी कंपनी में यूजफुल रहा हो, या फिर आपने कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जॉब से पहले जो 5 projects बनाए थे अपनी कॉलेज जर्नी में, वो भी आई बटन में लिंक है, अगर आपको प्रोजेक्ट आइडियाज चाहिए तो आप ये भी देख सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स ने यार कुछ भी यूजफुल होने चाहिए और थोड़े से कॉम्प्लेक्स होने चाहिए कि रिक्रूटर एंगेज हो जाए उनमें। आइडियली आपको एक प्रोजेक्ट ऐड करना चाहिए एक हैकेथॉन वगैरह का, या फिर जो भी चीज मतलब किसी और की हेल्प कर रही हो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो आपको यूनिक बनाता है वो रिक्रूटर की आइज में कि हाँ इसने कुछ हेल्पिंग किया कंपनी के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, और उसपे डिस्कशन होती है तो वो बहुत पॉजिटिव वाइब में डिस्कशन जाती है। टेक्निकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो आप जितना पैशनलिटी आंसर करते हैं तो उतना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा यार, आप अपना सेल्फ लर्निंग प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं या फिर सेल्फ हेल्पिंग हो सकता है, जैसे आपने खुद की नोट्स एप्लीकेशन बना रखी हो, खुद की कैलेंडर बना रखा हो, खुद के टास्क वाली ऐप बना रखी हो, खुद का अटेंडेंस ट्रैकर बना रखा हो, या खुद का कुछ गूगल डॉक टाइप क्लोन बना रखा हो जो कि इंप्रेसिव होगा, तो ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। थर्ड, जो मैंने बोला कि आप वर्किंग क्लोन तो बना ही सकते हो, बट मेक श्योर कि ये सारे प्रोजेक्ट आपके होस्टेड रहे रिक्रूटर को, और वो लिंक आपका रिज्यूमे में एडेड रहे। अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे अपने टाइम पे हर अच्छी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के लिए, यहाँ पे आई बटन में लिंक है, ये वीडियो भी आप मेरे रिज्यूमे का सैंपल प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये मेरा रिज्यूमे फैंग कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो गो अहेड है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल लगी हो। हर किसी के लिए डिफरेंट चीज वर्क करती है, लाइक एक अप्रोच एक फास्ट स्टूडेंट के लिए वर्क कर रही है तो हो सकता है स्लो स्टूडेंट के लिए वर्क ना करे। तो बट अकॉर्डिंग टू मी ये अप्रोच हर स्टूडेंट के लिए वर्क करनी चाहिए। अगर आप फास्ट हैं तो आप सीधा ही स्मॉल प्रोजेक्ट्स की जगह बिग प्रोजेक्ट्स पे जंप कर सकते हैं और अपने लर्निंग पेस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और इतने प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आई हाईली डाउट कि आप कोई चीज भूल पाएंगे अगर आप इतनी ज्यादा हैंड्स ऑन कर लेंगे तो। और ट्रस्ट मी, एक प्रोजेक्ट बनाने में आपको 3 से 4 ज्यादा घंटे नहीं लगते, तो इतना तो डूएबल है लर्निंग के टाइम पे करने के लिए। तो इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं ऐसे आगे आपके फ्रंट एंड नॉलेज और वेब डेवलपमेंट नॉलेज या ऐसे टेक डिफिकल्टीज सॉल्व करता रहूं और आपकी स्किल्स को एनहांस करता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग,
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सम अनदर टॉपिक. थैंक यू.